Hello student, welcome to the e-learning class. Today I'm going to discuss the fifth chapter of geography, that is the industry. In the previous we will read about the agriculture, now we will read about the industries. In this chapter we will cover the topic, that is the meaning of industries, classification of industries, factor affecting the locations and the size of industries, and distribution of industries. So इस चैप्टर से हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. इंडस्ट्रीज क्या है, क्या क्या क्लासिफिकेशन, किस किस पार्ट में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया है, किस इंडस्ट्रीज को किस नेम से जाना जाता है, क्या फैक्टर्स है जो हमारे इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करता है, और किस तरह से कितने पार्ट में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया. ठीक है, तो बिफोर वी नो, फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज कैसे बना. तो इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मेटेरियल इन टू द फिनिश प्रोडक्ट. इंडस्ट्रीज वो जगह है जहाँ पर हम रॉ मेटेरियल किसको बोलते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, मतलब उसको आज द फिनिश प्रोडक्ट में टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज अ दैट प्लेस वेयर वी कन्वर्ट द रॉ मेटेरियल इन टू द फिनिश प्रोडक्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री एक जगह है जहाँ पर हम रॉ मेटेरियल को एज अ फिनिश प्रोडक्ट में और उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ इंडस्ट्रीज. ठीक है, क्यों इंडस्ट्रीज से क्या हम लोग क्या यूज करते हैं, रॉ मेटेरियल, मतलब जो कच्चे माल होते हैं. बेसिकली हम रॉ मेटेरियल कहाँ से पाते हैं, इंडस्ट्रीज से पाते हैं. नेचुरली जो नेचुरल पाते हैं वो भी हो जाते हैं रॉ मेटेरियल, उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट में जो आइटम्स आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल वी गिव इन द पेपर. तो पेपर वी आर गेटिंग फ्रॉम, वी आर गेट अ रेडीमेड पेपर. ठीक है, तो पेपर हमको कहाँ से मिलता है, इसका रॉ मेटेरियल क्या होता है, वी डोंट नो व्हाट इज द रॉ मेटेरियल ऑफ द पेपर. वी गेट द पेपर, वी राइट इट एंड नो व्हिच इज द पेपर कम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो वो हमको मालूम कि पेपर इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो पेपर बनता कहाँ से, वो कहाँ से आता है. तो पेपर हमसे कहाँ से बनता है, अगर वुड से, लकड़ी का जो पल्प होता है उससे हमारे पेपर्स बनता है. तो ये रॉ मेटेरियल कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से आ रहा है. तो इंडस्ट्रीज क्या करता है, ये रॉ मेटेरियल परचेज करता है एग्रीकल्चर से, फिर इसको फिनिश प्रोडक्ट करता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है. अभी लकड़ी के पल्प पर फेंके रहेंगे हम लोग साथ यूज करेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो चीज हमारा एज अ पेपर ला रहा है, वो क्या हो रहा है, पेपर में उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका यूज बढ़ रहा है. तो ये होता है इंडस्ट्रीज, जो हमारे रॉ मटेरियल को एज अ यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू बढ़ा रही है, उसे इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रीज रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलता है, हमें पढ़ाया था ना, एंड एनी एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बींग विद अ व्यू टू अर्न अ प्रॉफिट, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाया है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन बींग विद अ व्यू विद अ होप टू अर्न अ प्रॉफिट. जो एक्टिविटी हम करते हैं फॉर द प्रॉफिट अर्निंग के लिए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो सोशल वर्किंग के लिए करते हैं उसे हम लोग नॉन एक्टिविटीज कहते हैं. ठीक है, कोई सा भी वर्क विद अ व्यू टू अर्न अ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इंडस्ट्रीज रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, और कोई सर्विस प्रोवाइड करना, उसको भी हम लोग एज ए इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं. ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस कैसे, मतलब हम लोग गुड्स को एक जगह से, रॉ मेटेरियल से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं एज ए प्रोविजन ऑफ सर्विस. ठीक है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट पेपर वुड का पल्प ले सकते, तो पेपर बन नहीं सकता. तो इंडस्ट्री ऐसा चीज है जो हमारे गुड्स का प्रोडक्शन करता है, मिनरल एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस करता है, और हमको एज ए रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहा है. ठीक है, ये जो बेंचेस, टेबल्स, बिल्डिंग फर्नीचर्स के जो आइटम, सोफा, बेड, ये आपने कहाँ से पाए, सर इंडस्ट्री से मिल रहा है. फैन, साइकिल्स, ये सब कहाँ से मिल रहा है, इंडस्ट्री से मिल रहा है. ये रॉ मटेरियल यूज करके हमको एज ए फिनिश प्रोडक्ट में दे रहा है, उसको हम लोग एज ए इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं. क्लियर, हैव यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज आर नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी. नाउ वेरी इंडस्ट्रीज आर नोन एज अ सेकेंडरी. In the previous class, we know what is the primary activity. Agriculture are known as the primary activity. Agriculture को हम लोग primary activity, there are the three sectors. Primary sectors, secondary and the tertiary sectors. The agriculture includes the primary sectors. And the secondary sectors come industries. And the tertiary sectors, the transportation,
सर्विस, ठीक है, उसको बोला एंड कम्युनिकेशन कमांडर का सर्विस सेक्टर, दैट थ्री सेक्टर्स आपको सबको पढ़ा दिया गया। तो हमको एग्रीकल्चर को हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं और इंडस्ट्रीज को हम लोग एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। क्यों सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं? बिकॉज एज इट स्केल्स द रॉ मेटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट ना। सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बोल रहे हैं। Why industry is not a secondary activity or manufacturing industry? Because it scales as it scales the raw material into the finished product. ये हमारा raw material को finished product में तैयार करा, इसलिए इसको हम लोग as a industry को as a secondary activity और manufacturing activity का। Manufacturing मतलब goods को manufacture करना, कुछ भी मिला जुला कर उसका न्यू प्रोडक्ट बना, उसको as a manufacturing मतलब जहाँ पर goods का processing हो रहा है, goods को as a change किया जा रहा है, रॉ मेटेरियल को चेंज करके एक नया चेंज है, लुक दिया जा रहा, उसे हम लोग बोला जा रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री आल्सो मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी एज इट चेंज द रॉ मेटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और मोर वैल्यू ऑफ पीपल। जो पीपल्स के वैल्यू है, पीपल्स की वैल्यू मतलब यहाँ पर टर्म ऑफ मनी और जो पीपल्स के यूज में आ रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं एज अ इंडस्ट्रीज। जहाँ इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी एक्टिविटी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। This is a definition and why industry is known as a secondary activity, you know also. Okay? Next topic, that is the classification of industries on the basis of raw material. Now, the classification of industries, industries को कितने parts में divide किया, क्या classifications है, क्या size है, on the basis of the size, on the basis of the locations, we will decide what is the classification of industries on the basis of the raw material. On the basis of raw material, industry को कितने parts divide किया गया? There are the four parts in which the industries are divided on the basis of the raw material. Raw material मतलब raw materials का हमारा industries को four parts में divide किया गया। क्या है? Agro based industries, mineral based industries, marine industries and the forest based industries. ठीक है? तो ये हमारा classification of industries के और भी different parts हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटेरियल में हमारा फोर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहा गया? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में द इंडस्ट्री विच यूज अ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर रॉ मेटेरियल। जो इंडस्ट्रीज विच यूज द प्लांट एंड एनिमल्स मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्लांट और एनिमल्स को यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मेटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर से प्लांट और एनिमल्स को एज अ रॉ मेटेरियल में यूज कर उसे हम लोग एज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, द इंडस्ट्रीज विच आर यूज एज अ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मेटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल सॉल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्रीज, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्रीज है? जो एग्रीकल्चर से हम लोग खेती करके एज अ रॉ मेटेरियल हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं एज उसे हम लोग एज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। या कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन हम लोग जो कॉटन यूज करते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल क्या करते हैं, क्योंकि कॉटन हमारे एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, तो ये हम लोग जो क्लोथ्स पहन रहे हैं, जो हम लोग रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट। अभी डायरेक्ट कॉटन को यूज करें तो हम लोग कॉटन का कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ हम लोग यूज करें वो हमारा यूज हो रहा है, तो ये कॉटन टेक्सटाइल भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का है। डेयरी प्रोडक्ट में आप लोग का मिल्क, बटर, चॉकलेट, ये सब हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर द प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज द मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मेटेरियल। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? जो हमारे मिनरल ओर्स को यूज कर रहा है एज अ रॉ मेटेरियल, मतलब जो हमारे क्रूड्स ऑयल्स को यूज करके एज अ रॉ में हम लोग को ऑयल्स प्रोवाइड कर रहा है उसे एज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, मशीनरी, बिल्डिंग मेटेरियल्स एंड द रेंजेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये सब एग्जाम्पल मिनरल, मतलब जैसे आयरन, आयरन एंड स्टील प्लांट है, तो आयरन हम लोग कहाँ से पा रहे हैं? हम लोग ये मिनरल बेस्ड मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से, उसके बाद हम लोग एज ए आयरन पिक करते हैं। जो हम लोग लोहे का ये आयरन का यूज हो रहा है, जो रॉड्स हो रहा है, ये कहाँ से रहा है? ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से हम लोग हो रहा है। मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं उसे एज ए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जा रहा है। नेक्स्ट, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज
where the products are used from the sea and the oceans. जो सी और ओशन से प्रोडक्ट एज ए रॉ मेटेरियल से यूज कर रहे उसे मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज कह रहे हैं. मैराइन मीन्स सी और ओशन. तो जो प्रोडक्ट जो मैराइन और सी से रिलेटेड प्रोडक्ट एज ए रॉ मेटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है उसे मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज का. बेस्ट एग्जाम्पल था सी फूड सी सॉल्ट. अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू सॉल्ट. सॉल्ट हम लोग भी सी से पाते हैं तो ये मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगे. फिश ऑयल मतलब जो हम लोग फिश ऑयल से सी से फूड होते हैं वो सब जैसे कि हम लोग मैराइन इंडस्ट्रीज से होते हैं. ठीक है तो मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज समझ में. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री अनदर एग्जाम्पल. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इसका क्या इट यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज ए रॉ मेटेरियल. यहाँ पर बोला फिर फॉरेस्ट से जो रॉ मेटेरियल मिलते हैं फॉरेस्ट में मतलब जंगल में जो रॉ मेटेरियल मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट यूज एज अ रॉ मेटेरियल दैट इंडस्ट्रीज आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल क्या है पल्प पेपर. पल्प एंड पेपर जो पेपर इंडस्ट्रीज है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है क्योंकि इनके पेपर लकड़ी कहाँ से आते हैं जंगल से आते हैं. ठीक है फर्नीचर फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी हमारे जंगलों में ही पाए जाते हैं. तो ये सब जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इन ऑल द एग्रो ऑल द इंडस्ट्रीज विद ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटेरियल दे ऑल आर एक्सट्रैक्टेड यूज एज अ नेचुरल वे. मतलब ये चारों इंडस्ट्रीज है सब नेचुरली वे से आ रहा है. इसमें हम अब खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं करें. एग्रीकल्चर में हम लोग खेती करें नेचुरली हो रहा है. मिनरल भी एक्सट्रैक्ट करें नेचुरली जो मिल रहा है. मैराइन भी नेचुरली. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑल्सो मतलब ये सब नेचुरली हम लोग यूज करें. जो इंडस्ट्रीज विच आर नेचुरली यूज एज अ रॉ मेटेरियल फॉर द प्रोडक्ट दे आर द इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड अंडर दिस. ठीक है इसके अंदर ये डिस्कस को डिफाइन किया जा रहा है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज. साइज के ऊपर हमारे इंडस्ट्रीज का क्या डिफाइन किया गया है. क्लियर. कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. टिल नाउ वी हैव नो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटेरियल. नाउ वी विल डिस्कस the classification of industries on the basis of size. So on the basis of size, the industries are divided into two parts. That is the small scale industries and the large scale industries. Now on the basis of size, मतलब किस तरह से basis of size में हम industries को कैसे divide करें? So basis of size decided the amount of capital investment, the volume of the production and the size of the industry decides whether the industry is a small scale industry or a large scale industry. मतलब इंडस्ट्रीज का कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ पीपल्स वर्क कर रहे हैं क्या हम मशीन्स वर्क कर रहे हैं या हैंडमेड हो जाए ये चीज डिसाइड करता है कि कौन से इंडस्ट्रीज क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे दो इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं. तो स्मॉल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज आर द दोज इंडस्ट्रीज where the cottage or the household industries are the types of the small scale industries. So small scale industries ko bhi jo cottage or small scale industries ko hum log as a small scale industries bol rahe hain jahan par hamara amount of capital bahut low rahega investment capital low rahega numbers of workers low rahenge hamara total overall production low rahega aur hamara handmade cheez rahega handmade product use hoga. यहाँ पर हम लोग मशीन टूल्स नहीं यूज करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन नहीं यूज है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर बेसिकली द कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है वेयर द प्रोडक्शन आर द मैन्युफैक्चर बाय हैंड. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड बाय द आर्टिशियंस. मतलब जो प्रोडक्शन हम हैंड द्वारा बाय द आर्टिशियंस. आर्टिशियंस मतलब यहाँ किसको कहा गया आर्टिशियंस जिसके अंदर कला है मतलब जिसके अंदर वो कला है वो अपने कला से कोई प्रोडक्शन बना उसको बोलते हैं आर्टिस्ट. ठीक है तो दे आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बुलाए मतलब जो इंडस्ट्री दे प्रोड्यूस देयर गुड्स विद देयर हैंड्स और बाय द आर्टिशियंस दे आर नोन एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग पोल्ट्री हैंडीक्राफ्ट दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है तो नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें बोले यहाँ पर कॉटेज और हाउस होल्ड. कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है. अब क्या हो गया पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैंडमेड था अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज में डिफरेंट है. कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब पूरा हैंडमेड. स्मॉल इंडस्ट्रीज में
मतलब कुछ हद तक हम मशीन और टूल्स यूज कर रहे हैं उसको हम लोग स्मॉल कर रहे हैं। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में हमारे एज कम्पेयर टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज में हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज्यादा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और हम लोग मॉडर्न मशीन भी अब यूज कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो दीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मीन्स आर दोज इंडस्ट्री वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वेयर द प्रोडक्शन लेवल्स आर हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स आर वर्क हियर एंड मॉडर्न मशीन एंड टूल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको बोला गया जहां पर हम बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, लार्ज प्रोडक्शन एंड हेवी इन्वेस्टमेंट भी इंकर्ड हो रहा है, उसे हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब जहाँ पर बहुत सा लार्ज एरिया कवर्ड है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट हो रहा, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड और मॉडर्न मशीन एंड टूल्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन, दीज इंडस्ट्रीज आर नोन एज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे दो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमारा इंडस्ट्रीज फिर अगेन थ्री टाइप्स डिवाइड हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मेटेरियल्स हमने क्या बताया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड, मैराइन एंड अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हमारा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमारा क्या आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे इंडस्ट्रीज के फिर से ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज विच आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेटली इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को मैनेज कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आयरन स्टील्स इंडस्ट्री बोल सकते हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हम बोल रहे हैं, बहुत से कंपनी से जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से हट जा रहे हैं, तो प्राइवेट में बहुत से इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो एज अ प्राइवेटली इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वहां पर उसको मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम लोग एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, ना पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज किसको बोला है, दोज इंडस्ट्रीज विच आर अंडरटेकिंग अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब दोज इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में हो रहा है उसे हम लोग एज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, जिसका पूरा रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, यहाँ का जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, क्या सैलरी है, क्या रॉ मेटेरियल यूज करेगा, पूरी डिसीजन हमारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्लियर, नेक्स्ट ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज किसको लगा, यहाँ पर दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल एंड मैनेज द इंडस्ट्री, दो सेक्टर्स आर नोन एज द ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंडस्ट्रीज सॉरी, तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को कहा गया जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं साथ, उसको हम लोग आज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का भी अंडरटेकिंग है, 50% गवर्नमेंट 50% प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों का कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट करता है, वो होता है ज्वाइंट सेक्टर। मतलब जिसमें दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स रहता है उनको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोल रहे हैं। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल्स क्या है, प्राइवेट में जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, इसे हम लोग बोलते हैं आज यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा लेकिन बनाएगा कौन, प्राइवेट सेक्टर, इसको आज प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज, मतलब जहाँ पर दोनों का गवर्नमेंट और प्राइवेट का इंडिविजुअल का कंट्रोल रहेगा इंडस्ट्रीज, उसको हम लोग बोलते हैं आज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहाँ पर किसको क्या है, दोज इंडस्ट्रीज विच आर ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और द सप्लायर्स। मतलब जहाँ पर जो प्रोड्यूसर, मतलब जो चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है वही उसको सप्लायर है, वही चीज उसका उसी के नाम से वो बिजनेस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल सुधा डेयरी, आनंद मिल्क, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब जो लोग खुद मिल्क प्रोड्यूस करके वही लोग एज अ इंडस्ट्रीज बनाए हैं, एज अ पैकेट में डेयरी में गुड
में सप्लाई करें, उसे आज हम लोग कॉपरेटिव सेक्टर मिल बोलते हैं, ठीक है। मतलब अपना खुद का मिल्क सब वो रखे है, उसी का अपने से वो इंडस्ट्रीज तैयार किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक। वेयर द ओनर्स आर द अंडर द कॉपरेटिव सेक्टर, द ओनर्स आर द प्रोड्यूसर आर द सप्लायर्स, प्रोड्यूसर द सप्लायर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसको हम लोग कॉपरेटिव सेक्टर कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ओनरशिप एंड द रॉ मेटेरियल द इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड, क्लियर।